हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से मैं आर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक में। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि टीजीटी और पीजीटी के लिए बायोलॉजी विषय को शामिल किया जाना कितनी बड़ी बात है और कितनी अहम बात है, और इसकी चर्चा हम सभी ने पिछली कक्षा में की हुई थी, जहां पर मैंने आप सभी को केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंडोक्राइन ग्लैंड के टॉपिक के जरिए आपको एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ था कि किस प्रकार से हमारे शरीर में समन्वय केमिकल यानी हार्मोन के द्वारा होता है। आज हम लोग स्पेशली पीयूष ग्रंथि की बात करेंगे कि पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले कौन कौन से हार्मोन हैं और किस प्रकार से हम पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, कैसे ये हमारे स्वभाव को, हमारे व्यवहार को, हमारे शरीर के अंदर होने वाली लैंगिक और शारीरिक वृद्धि को नियंत्रित करती है, और किस प्रकार से इसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पता होगा, भली भांति आप जानते होंगे, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड यानी ग्लैंड ऑफ ग्लैंड, कैसे हम हाइपोथैलेमस को सभी ग्रंथियों की ग्रंथि कह देते हैं, क्योंकि दोस्तों हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहीं ना कहीं एक ऐसा कार्य करती है, क्योंकि यह ब्रेन से जुड़ी होती है, तो यह ऐसे हार्मोन का सिक्रेशन करती है जो रिलीजिंग हार्मोन होते हैं और इनहिबिटर हार्मोन होते हैं, यानी दोस्तों ये मुक्तकारी भी होते हैं और निरोधी भी होते हैं। इन हार्मोन के सिक्रेशन के जरिए यह हाइपोथैलेमस ग्लैंड पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करती है। तो पिछली कक्षा में आप सभी को मैंने सामान्य परिचय दिया था हार्मोन का और बताया था हार्मोन किस प्रकार का होता है। अगर आप पिछली क्लास को नहीं देख पाया तो निश्चित तौर पर उसको देखिए, बहुत लाभ आपको होने वाला है। टीजीटी और पीजीटी के लिए निरंतर ऐसे क्लासेस आपको मैं प्रोवाइड कराता रहूंगा। और दोस्तों ध्यान रखें कि जो क्लासेस हमें मिलेंगी आपको मैं देने वाला हूं, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेंगी, तो आप इसके बारे में बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, कोई भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और संस्थान में रवि सर के कुशल निर्देशन में टीजीटी बायोलॉजी का जो बैच दोस्तों वो प्रारंभ है, और अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो हमें टीजीटी या पीजीटी बायोलॉजी लिख करके इस नंबर पर 8382955694 इस पर एंट्री टीजीटी या एंट्री पीजीटी बायोलॉजी लिख करके सेंड कर सकते हैं। आगे की कोई भी क्वेरी होगी, अगर कोई भी आपकी समस्या होगी, तो वह बहुत ही जल्दी क्विक सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हम स्पेशली पढ़ने वाले हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में दोस्तों, यानी कि पीयूष ग्रंथि के बारे में। तो आज जो टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं दोस्तों, यहां पर वो टॉपिक का नाम क्या रहेगा, पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। आपको भली भांति पता होगा इसी ग्रंथि को हम कहते हैं, इसी ग्रंथि को दोस्तों हम नाम देते हैं मास्टर ग्लैंड, और दोस्तों इसी ग्रंथि से ग्रोथ हार्मोन निकलता है, तो कहीं ना कहीं इसी को वृद्धिकर ग्रंथि कहा जाता है दोस्तों, यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट कराने वाली ग्रंथि भी इसी का नाम कई बार लिया जाता है। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहां होती है, यह ग्रंथि हमारे शरीर में कहां पर पाई जाती है। अगर दोस्तों लोकेशन की देखिए बात करी जाए तो यह ग्रंथि इस प्रकार से होती है, आप देखिए, चाहे इसको मटर का दाना बोलिए चाहे मक्के का दाना बोलिए दोस्तों, इसमें तीन लोब होते हैं, एंटीरियर लोब, इंटरमीडिएट लोब और पोस्टीरियर लोब। हम इसके विषय में चर्चा करेंगे, यहां से किस हार्मोन का सिक्रेशन होता है और कौन सा हार्मोन इसमें स्टोर रहता है। दोस्तों किस हार्मोन के बारे में हमें अभी भी संशय है कि पता नहीं हमारे अंदर वो सिक्रीट होता है कि नहीं होता है, और किस प्रकार, देखिए जो इसके ऊपर जो ग्रंथि आपको दिख रही है ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, और हाइपोथैलेमस ग्लैंड दो स्पेशल हार्मोन के थ्रू पूरी पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करती है, जिसको हम कहते हैं दोस्तों रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटर हार्मोन के जरिए। तो अगर यहां पर लोकेशन की बात करी जाए तो आप देखिए यहां पर शरीर में दोस्तों आप इसको देख सकते हैं, आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां पर एक हड्डी है, इसका दोस्तों नाम क्या है, स्फेनॉइड हड्डी।
आप इस हड्डी को देखिए, इसका दोस्तों नाम क्या है, स्फेनॉइड हड्डी। जहां तक क्लास की बात है, यहां दोस्तों आपको कहीं से भी कोई समस्या नहीं होने वाली है, सारे पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों स्फेनॉइड हड्डी में एक गड्ढा होता है दोस्तों, इस गड्ढे का नाम दोस्तों क्या है, तो इसको हम कहते हैं सेला टर्सिका। सेला टर्सिका गड्ढा नाम देते हैं, और दोस्तों इसी गड्ढे में होती है। यहां आप देखिए हल्का सा रेड कलर दोस्तों आपको दिख रहा होगा। एक्चुअली अगर इसको हम देखेंगे तो आप समझिएगा दोस्तों, हमारे ब्रेन के तीन भाग होते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये अग्र मस्तिष्क होता है पूरा, और दोस्तों ये क्या है पूरा, देखिए यहां दोस्तों पूरा अग्र मस्तिष्क है, और दोस्तों यहां पर क्या होता है, मध्य मस्तिष्क होता है, और ये पूरा भाग किसका है, पश्च मस्तिष्क का है। तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे, अग्र मस्तिष्क में दो भाग होते हैं दोस्तों, एक होता है सेरेब्रम का और एक डाईएन्सेफेलॉन का। और डाईएन्सेफेलॉन में ही आप देखिए हाइपोथैलेमस के नीचे एक ग्रंथि पाई जाती है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। तो इस ग्रंथि के बारे में पूरा हमें समझना है। सबसे पहले हम इसके लोकेशन की बात करें कि इस ग्रंथि की एग्जैक्ट लोकेशन होती कहां पर है। दोस्तों ये ग्रंथि करती क्या है, देखो अगर दोस्तों हम बात करें तो हम सबसे पहले क्या बोलेंगे इसके बारे में, दोस्तों हम यही कहेंगे कि देखिए क्या होता है, ब्रेन सबसे पहले दोस्तों क्या है, ब्रेन है, ब्रेन जिसको मस्तिष्क आप बोलते हैं दोस्तों, सबसे पहले क्या है, ब्रेन है, यानी कि मस्तिष्क है। और अगर ब्रेन के बाद हम देखें तो दोस्तों आगे क्या होता है, आगे होता है अग्र मस्तिष्क, क्योंकि हमारे ब्रेन के कितने भाग होते हैं आपको पता होगा दोस्तों, इसको कहेंगे ये होता है फोर ब्रेन। और दोस्तों फोर ब्रेन में दो भाग, जो आपका अग्र मस्तिष्क है इसमें दो भाग होते हैं, एक सेरेब्रम एक डाईएन्सेफेलॉन। दोस्तों यहां पर आप किस भाग को देख रहे हैं, डाईएन्सेफेलॉन को देख रहे हैं, डाईएन्सेफेलॉन को आप देख रहे हैं। और डाईएन्सेफेलॉन भाग में ही दोस्तों हम कहते हैं यहां पर हाइपोथैलेमस के नीचे, हाइपोथैलेमस के नीचे होती है। या अगर हम बात करें इसके आउटर पार्ट की तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, हमारा कपाल होता है, सबसे पहले क्या होता है, हमारा कपाल, जिसको दोस्तों हम कहते हैं स्कल। और हमारे कपाल में दोस्तों कौन सी हड्डी होती है, स्फेनॉइड हड्डी है, स्फेनॉइड हड्डी है। और इस स्फेनॉइड हड्डी में एक गड्ढा होता है जिसका नाम क्या है, सेला टर्सिका गड्ढा। दोस्तों एक भाग होता है सेला टर्सिका कहलाता है, तो सेला टर्सिका गड्ढा होता है। और इसी सेला टर्सिका गड्ढा में हम कहेंगे दोस्तों, सेला टर्सिका गड्ढे में हम कहते हैं कि यहीं पर वो ग्लैंड होती है। और ग्लैंड कैसी होती है, ग्लैंड कैसी होती है, तो आप कहेंगे मटर या मक्का के दाने के समान, मटर या मक्का के दाने के समान, मटर या मक्का के दाने के समान ये ग्रंथि होती है। तो ये तो दोस्तों इसका सामान्य परिचय कि ग्रंथि की उपस्थिति एक्चुअली में एग्जैक्टली कहां होती है, ये ग्रंथि एग्जैक्टली कहां पर होती है ये आपने देख लिया। अगर फिगर आपने समझा होगा तो वहां भी आपने इसको क्लेरिफाई किया होगा, अगर आप ऐसे समझ पा रहे दोस्तों तो ये भी पॉइंट आपके लिए बहुत इनफ है। अब देखिए यहां पर दो तीन चीजें मैं और भी आप सभी की यहां पर क्लियर करूंगा। जैसे यहां पर पॉइंट दोस्तों क्या बनता है कि किस कलर की होती है दोस्तों, या फिर इसका वेट कितना होता है, इसका वजन कितना होता है, किस कलर की होती है दोस्तों, इसका वेट कितना होता है, और दोस्तों इसकी उत्पत्ति कैसी होती है दोस्तों, यानी जर्म सेल इसकी क्या होती है, ठीक दोस्तों जर्म लेयर इसकी क्या होती है। अगर हम इसकी बात करें दोस्तों हम कह सकते हैं कि कैसे इसकी ओरिजिन होती है, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर दोस्तों हम बात करें ओरिजिन की, किस सेल से इसकी ओरिजिन होती है, अगर ये बात करें तो पहले तीनों विषय में बात करेंगे। देखिए दोस्तों अगर कलर की बात करें तो कैसी होती है, रेड ग्रे कलर की होती है, रेड ग्रे होती है। ये पॉइंट अगर एग्जाम अगर पूछेगा तो इसको आप नोट कर लेंगे। 0.6 ग्राम की होती है, बट हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी में फीमेल के अंदर इसका वेट बढ़ जाता है, इसको आप कहीं नोट्स में अलग से मेंशन कर लेंगे। प्रेगनेंसी में फीमेल के अंदर इसका वेट दोस्तों सडनली क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर हम बात करें यहां पर कैसे ये बनती है तो दोस्तों हम कहते हैं कि एक्टोडर्म से,
एक्टोडर्म से दोस्तों एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म की ये बनी होती है। इसके बारे में इतने सारे पॉइंट्स आप कह सकते हैं दोस्तों। अगर देखिए हम बात करें तो हमारी बॉडी में कितनी ग्रोथ होती है, हमारी बॉडी में तीन प्रकार की ग्रोथ होती है। पहली होती है सेक्सुअल ग्रोथ दोस्तों, फिर क्या होती है मेंटल ग्रोथ, और एक होती है फिजिकल ग्रोथ दोस्तों। कहीं ना कहीं ये तीनों वृद्धियों को नियंत्रित करती है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों शारीरिक वृद्धि यानी फिजिकल ग्रोथ, शारीरिक वृद्धि यानी कि दोस्तों फिजिकल ग्रोथ, लैंगिक वृद्धि यानी सेक्सुअल ग्रोथ, लैंगिक वृद्धि सेक्सुअल ग्रोथ दोस्तों। और भी इसके बारे में हम बोल सकते हैं, हमारे स्वास्थ्य, हमारे स्वास्थ्य, हमारे व्यवहार यानी हमारा बिहेवियर क्या होता है, और सबसे बड़ी बात अन्य ग्रंथियों का हार्मोन सिक्रेशन, अन्य ग्रंथियों के हार्मोन स्राव, अन्य ग्रंथियों के हार्मोन सिक्रेशन, इन सभी को दोस्तों क्या करती है ये, इन सभी को नियंत्रित करती है, इन सभी का कंट्रोल करती है। और इन सभी को कंट्रोल करने के कारण इसको नाम दिया गया है मास्टर ग्लैंड। दोस्तों आप देख सकते हैं इसको हमने मास्टर ग्लैंड नाम क्यों दिया है, क्योंकि हमारी बॉडी में विभिन्न प्रकार की ग्रोथ होती है, उसको कंट्रोल करती है, हमारी हेल्थ को, हमारे बिहेवियर को, और सबसे बड़ी बात अन्य जो ग्लैंड होती है उनसे निकलने वाले हार्मोन के सिक्रेशन को भी ये कंट्रोल करती है। तो इसी कारण से इसको नाम क्या दिया गया दोस्तों, इसी कारण से इसको नाम दिया गया है मास्टर ग्लैंड। बट यहां अगर हम मास्टर ग्लैंड की दोस्तों बात करें तो मास्टर ग्लैंड को भी कंट्रोल करने वाली एक ग्लैंड होती है जिसको हम नाम देते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड दोस्तों। इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। यहां पर मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है, आइए हम उस विषय पर बातचीत करें। तो अगर बात करें यहां पर मास्टर ऑफ मास्टर, तो आप हाइपोथैलेमस के दोस्तों बारे में जानते होंगे। शुरुआत करेंगे हम यहां से, शुरुआत दोस्तों हम करेंगे यहां से। अगर हम बात करें तो हाइपोथैलेमस के बारे में हम जानते हैं दोस्तों, ये होती है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, क्लियर दोस्तों यहां पर होती है। और यहां पर एक चीज आप विशेष तौर पर जानते रहिएगा, क्वेश्चन ये पूछता है कि हाइपोथैलेमस से किसके द्वारा ये जुड़ी होती है दोस्तों। कई इनफंडिबुलर का नाम आप जानते होंगे दोस्तों, बताएंगे भी इसके बारे में आप सभी से। देखिए अब दोस्तों मान लीजिए ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड है यहां पर, और इस ग्लैंड से दोस्तों बिल्कुल जुड़ी हुई एक ऐसी ग्लैंड जिसका आकार हमें कैसा दिखाई पड़ता है, जिसका आकार दोस्तों हमें मक्के के दाने के समान या मटर के दाने के समान दिखाई पड़ता है, और उसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, उसी का नाम रखते हैं हम लोग यहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आप बहुत इत्मीनान से, बहुत ध्यान से देखते रहिए दोस्तों। यहां पर क्या होता है, यहां पर हम देख पाते हैं कि ब्लड वेसल्स होती है। देखिए दोस्तों यहां से क्या निकली होती है, यहां से ब्लड वेसल्स निकली होती हैं, और यहां पर ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। एक सिरा इसका आगे बढ़ता है, यहां पर जाकर के खुल जाता है दोस्तों, और इसका एक सिरा यू आगे बढ़ता है दोस्तों, और ये सिरा आगे बढ़कर के यहां पर खुल जाता है। और अब दोस्तों इसमें क्या बनता है दोस्तों, इसमें बन जाता है नेटवर्क ऑफ कैपिलरिटी, इसमें बहुत सारा नेटवर्क ऑफ कैपिलरिटी बन जाता है। बहुत इत्मीनान से इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों। यहां पर क्या बन जाता है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरिटी दोस्तों यहां पर बन जाता है। और यहां देखिए फिर क्या होगा कि नेटवर्क ऑफ कैपिलरिटी दोस्तों फिर यहां से संयुक्त होकर के यू सीधा यहां पर आकर के वापस खुल जाता है, इस भाग में आकर के खुल जाता है। अब अगर दोस्तों हम देखें कि ये ऊपर जो आपको दिख रहा है ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड दोस्तों है, ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या करती है, दो स्पेशल केमिकल निकालती दोस्तों। तो क्या करेगी, दो स्पेशल केमिकल निकालेगी, और स्पेशल केमिकल के थ्रू क्या करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड दोस्तों कंट्रोल करती है। और यहां जो स्पेशल केमिकल होते हैं दोस्तों उसमें आप देखेंगे एक स्टिमुलस सब्सटेंस होता है, और एक क्या होता है, एक इनहिबिटर सब्सटेंस होता है। तो दोस्तों यहां पर कहेंगे जो केमिकल निकलता है
केमिकल निकलता है, उसमें दो प्रकार के केमिकल होते हैं, एक स्टिमुलस सब्सटेंस, और दोस्तों एक क्या होता है, एक इनहिबिटर सब्सटेंस, इनहिबिटर सब्सटेंस होता है, ठीक। और बाकी इसको हम दोस्तों नाम देते हैं ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स है, क्लियर। अब अगर दोस्तों हम आगे देखें तो यहां पर बहुत सारी सेल्स होती हैं, अलग अलग प्रकार की सेल होती हैं, अलग अलग हार्मोन को बनाती है। और अगर दोस्तों हम आगे देखें तो यहां पर देखिए हाइपोथैलेमस के पास, देखिए यहां पर दोस्तों कुछ अलग अलग प्रकार की यहां पर भी कोशिकाएं होती हैं, और दोस्तों इन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, इन दोस्तों कहते हैं न्यूरोसिक्रेटरी सेल कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों सेल होती है न्यूरोसिक्रेटरी सेल। तो न्यूरोसिक्रेटरी सेल सिक्रेटरी सेल होती है, और दोस्तों ये कहां से आती है, ये नर्वस सिस्टम का भाग होती है जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल होती है, और यही क्या करती है, यही निकालती है केमिकल दोस्तों, और जिस केमिकल के थ्रू पूरी पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल में रहती है, किसके, हाइपोथैलेमस ग्लैंड के। तो न्यूरो सिक्रेटरी सेल जो होती है दोस्तों वही क्या कर रही है, केमिकल का श्रवण कर रही है, स्टिमुलस और इनहिबिटर दोनों सब्सटेंस का, जिसके थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड दोस्तों कंट्रोल में हो जाती है। अब यहां पर कुछ पॉइंट और आपको समझने पड़ेंगे, जैसे यहां मैंने कहा इस चीज को कि ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, ये दोस्तों क्या है, ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, थैलेमस है। और यहां देखिए एक चीज और आप समझते रहिए, यहां हम बात करेंगे इसके फ्लो के बारे में कि क्या क्या यहां दोस्तों फ्लो हो रहा है, उसके विषय में तो बातचीत करेंगे, लेकिन यहां दोस्तों हम कहते हैं कि तीन लोब होते हैं इसके, दो इंपॉर्टेंट लोब है और दो एक इंपॉर्टेंट नहीं होता दोस्तों। तो इस पिट्यूटरी ग्लैंड के तीन लोब होते हैं, दो इंपॉर्टेंट है और दो इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। अगर लोब की बात करें तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं इंटीरियर लोब दोस्तों, इसको नाम देते हैं हम इंटीरियर लोब। देखिए दोस्तों ये होता है इंटीरियर लोब, और इंटीरियर लोब के बाद दोस्तों किसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं दोस्तों, या इसको हम क्या बोलते हैं, या इसको हम कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस दोस्तों कहते हैं। इस भाग का देखिए नाम क्या है, एडिनो हाइपोफाइसिस इस भाग का दोस्तों नाम होता है, ठीक है दोस्तों। और इसको हम एक नाम और दे सकते हैं, जिसको दोस्तों हम कह सकते हैं यहां पर कि पार्स दोस्तों कहते हैं इसको, पार्स डिस्टेंस दोस्तों कहते हैं पार्स डिस्टेंस इसको हम बोल सकते हैं, तो इसको अभी हम आगे बताएंगे आप सभी को। देखिए दोस्तों एक इसका भाग क्या होता है, इसका एक भाग होता है पोस्टीरियर लोब वाला, पोस्टीरियर लोब दोस्तों। इस लोब का एक दूसरा जो नाम है इसको हम कहते हैं कि न्यूरोहाइपोफाइसिस, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, या दोस्तों बोल सकते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस दोस्तों, इसको न्यूरोहाइपोफाइसिस या पार्स नर्सोवा दोस्तों कह सकते हैं, सॉरी पार्स नर्वोसा इसको हम कह सकते हैं, या इसका नाम दोस्तों, और इसको हम क्या कह सकते हैं, पार्स डिस्टैलिस इसको बोलेंगे, और दोस्तों क्या होता है, पार्स नर्वोसा इसको हम बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। अब एक भाग इसके बीच में चर्चा करेंगे उसी। तो दोस्तों यहां पर देखिए आप न्यूरो सिक्रेटरी सेल होती है, और यही सेल दोस्तों क्या करती है, आगे बढ़ती है यहां से दोस्तों, यही सेल क्या करती है, दो प्रकार के यहां केमिकल निकालती, एक क्या है दोस्तों, एक स्टिमुलस है और एक इनहिबिटर है दोस्तों। एक क्या करेगा, हार्मोन के श्रवण को कम करेगा, और एक हार्मोन के श्रवण को बढ़ाएगा, जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, जैसा कि आप ये जानते हैं। और हां यही से पहले एक भाग मैं और बना दूं, देखिए यहां से दोस्तों यही से क्या होता है, यही से ये भाग जो है वो सीधा कहां से आता है, हाइपोथैलेमस से आता है, और आकर के दोस्तों कहां खुलता है, आकर के रिलीज करता है कुछ हार्मोन को प्रोड्यूस नहीं करता बल्कि रिलीज करता है,
और हार्मोन को रिलीज कहां कर रहा है, ये दोस्तों करता है आकर के पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब में दोस्तों करता है। ठीक है, अभी इसके बारे में बात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट भाग होता है ये भी। देखिए अब होता यह है कि यही जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल होती है, यही सेल दोस्तों केमिकल निकालती है, जो केमिकल निकलता है स्टिमुलस सब्सटेंस और इनहिबिटर सब्सटेंस, यही दोस्तों यहां जो सेल है, जो यहां सेल होती है, इन सेल से हार्मोन बनता है दोस्तों। ये हार्मोन बनेगा कि नहीं बनेगा ये डिपेंड किस पर करता है, ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल पर करता है दोस्तों। अगर न्यूरोसिक्रेटरी सेल चाहेगी तब यहां पर हार्मोन बनेगा और सिक्रीट होगा, अदरवाइज दोस्तों यहां पर हार्मोन सिक्रीट नहीं होगा दोस्तों, यहां पर हार्मोन नहीं बन सकता है। जैसे आप सपोज के दोस्तों यहां पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए दोस्तों यहां पर होगा, एक मानने वाली बात है कि यहां पर सपोज करिए कि क्या कौन सा भाग है, कि यहां है गोनाडोट्रॉफ, गोनाडोट्रॉफ सेल है। तो दोस्तों गोनाडोट्रॉफ सेल यहां पर है और ये गोनाडोट्रॉफ सेल किस हार्मोन को बनाती है दोस्तों, ये एलएच को बनाती है और एफएसएच को बनाती है। तो ये ग्रंथि एलएच और एफएसएच को तभी बनाएगी जब ये दोनों हार्मोन चाहेंगे दोस्तों, क्योंकि यहां दोस्तों क्या होता है, जीएनआरएच निकलेगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जब रिलीजिंग हार्मोन दोस्तों बनेगा और सीधा यहां आएगा, तब जाकर के इस सेल से दोस्तों एलएच और एफएसएच ही बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। अब दोस्तों बड़ा ही देखिए इंपॉर्टेंट भाग है। अब यहां देखिए जो पीछे वाला भाग है, इस भाग में दोस्तों क्या होता है कि हाइपोथैलेमस से बनने वाले दो हार्मोन आकर के रिलीज होते हैं और दोस्तों इन दोनों हार्मोन को हम नाम क्या देते हैं, और ध्यान रखना रिलीज होते हैं ना कर ना कि यहां पर बनते हैं दोस्तों, रिलीज होते हैं और आकर के यहीं पर स्टोर रहते हैं। और इन दोनों हार्मोन में दोस्तों एक हार्मोन का नाम क्या है, ऑक्सीटोसिन, जिसको आप पीटोसिन कहते हो, और दोस्तों एक है वैसोप्रोसिन, वैसोप्रेसिन। तो वैसोप्रेसिन है एक हार्मोन और एक हार्मोन दोस्तों क्या है, ऑक्सीटोसिन है। तो दोनों हार्मोन यहां पर आकर दोस्तों यहां पर स्टोर रहते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये आकर यहीं पर दोस्तों स्टोर रहते हैं। ठीक है ना, यहीं पर स्टोर रहते हैं और इन हार्मोन दोस्तों यहां पर स्टोर रहेंगे। और एक पॉइंट और आप जानते रहिएगा दोस्तों, इस भाग को क्या कहते हैं, इस भाग को दोस्तों कहते हैं हेरिंग बॉडी कहते हैं, हेरिंग बॉडी कहते हैं, हेरिंग बॉडी। ऐसे क्वेश्चंस पीजीटी में फ्रेम हो सकते हैं, इसको हम बोलते हैं हेरिंग बॉडी। और दोस्तों जो उसका बीच वाला भाग होता है, ये बीच वाले भाग को हम दोस्तों क्या नाम देते हैं, इस भाग को हम कहते हैं पार्स इंटरमीडिया, इस दोस्तों भाग को हम कहते हैं पार्स इंटरमीडिया या इंटरमीडिएट लोब कहते हैं। तो पार्स इंटरमीडिया ये भाग है, पार्स इंटरमीडिया दोस्तों यहां से एमएसएच हार्मोन को हम पढ़ेंगे। यहां दोस्तों कहा जाता है कि एमएसएच हार्मोन यहां पर बनता है, पर ये बहुत सस्पेंस है कि दोस्तों बनता है कि नहीं बनता है। अगर आप सोच रहे हैं कि यहां जो इंटीरियर लोब होता है अगर पाली है, यहां से केवल एक हार्मोन दोस्तों बनता है, तो आप गलत सोच रहे हैं। मैंने केवल आपको एक एग्जांपल दिया है किस प्रकार से यह हार्मोन बनेगा कि नहीं बनेगा, इसको हाइपोथैलेमस कैसे कंट्रोल करता है। दोस्तों आइए देखते हैं कि कौन कौन से हार्मोन यहां पर बनेंगे, तो फटाफट इसको देखते हैं। जैसे दोस्तों पहला हार्मोन देखिए क्या होता है, यहां पर कुछ ऐसी सेल होती है जिनको हम कहते हैं सोमैटोट्रॉफ सेल, सोमैटोट्रॉफ सेल। दोस्तों सोमैटोट्रॉफ सेल क्या करती है, ये किस हार्मोन को बनाएंगी दोस्तों, ये बनाती है यहां पर जीएच हार्मोन को, यानी दोस्तों ग्रोथ हार्मोन को बनाएगी, यानी एसटीएच हार्मोन को बनाती। दोस्तों यहां पर क्या होगा, थायरोट्रॉफ सेल होती है, थायरोट्रॉफ सेल होती है, ट्रॉफ सेल दोस्तों होती है, और ये सेल क्या करती है यहां पर, ये सेल दोस्तों टीएसएच हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का निर्माण दोस्तों कर देती हैं। और देखिए यहीं पर दोस्तों क्या होती हैं, यहीं दोस्तों क्या होती है, कोर्टिकोट्रॉप्स, कोर्टिकोट्रॉप सेल होती है, कोर्टिकोट्रॉप सेल
और कॉर्टिकोट्रॉफ कोशिकाएं क्या करेंगी, यहां पर ACTH हार्मोन का निर्माण करेंगी। और आपको भली भांति पता है ACTH हार्मोन एडिनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन दोस्तों कहा जाता है। और यही देखिए, अभी हमने देखा था गोनाडोट्रॉफ हार्मोन, गोनाडोट्रॉफ हार्मोन और दोस्तों सॉरी गोनाडोट्रॉफ सेल यहां पर होती है। और ये सेल क्या करेंगी, दो प्रकार के हार्मोन यानी LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH हार्मोन को दोस्तों बनाती है। और यही देखिए दोस्तों क्या होता है, यही होता है लैक्टोट्रॉप्स हार्मोन, लैक्टोट्रॉप्स सेल होती हैं। और लैक्टोट्रॉप्स सेल क्या करेंगी, और दोस्तों ये बनाएंगी प्रोलैक्टिन हार्मोन दोस्तों, यानी कि प्रोलैक्टिन हार्मोन दोस्तों बनाएंगी, प्रोलैक्टिन हार्मोन बनाएंगी, इसको हम कहते हैं मिल्क रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन दोस्तों बनाएंगी, LTH बनाएंगी। ये आप ध्यान देना, LTH बनाएंगी दोस्तों, LTH बनाएंगी। तो यहां कितने हार्मोन हो गए, तीन और तीन छह हार्मोन। और दोस्तों हम कहते हैं कि यहां पर एक हार्मोन और होता है जो निकलता है दोस्तों इंटर दोस्तों निकलता है मध्यपाली से, जिसको हम कहते हैं पार्स इंटरमीडिया, पास इंटर मीडिया दोस्तों यहां से MSH हार्मोन। बाकी देखिए यहां जो पोस्टीरियर लोब होता है, पोस्टीरियर लोब होता है लोब दोस्तों, यहां पर दो हार्मोन स्टोर रहते हैं पोस्टीरियर लोब में, पश्चपाली में दो हार्मोन दोस्तों स्टोर रहेंगे, दो हार्मोन का संग्रह रहता है, दो हार्मोन स्टोर रहते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहां पर एक हो गया ADH हार्मोन यानी वेसोप्रेसिन दोस्तों, एक हो गया ऑक्सीटोसिन यानी पीटोसिन हार्मोन। तो कुल इतने हार्मोन का संबंध पीयूष ग्रंथि से होता है। तो कुल इतने प्रकार के हार्मोन का संबंध दोस्तों किससे होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। और दोस्तों आइए हम तुरंत शुरू कर देते हैं कि इंटीरियर लोब से निकलने वाले हार्मोन कौन कौन से होते हैं, यानी अग्रपाली से निकलने वाले हार्मोन। तो अग्रपाली से यानी इंटीरियर लोब से निकलने वाले हार्मोन, इंटीरियर लोब से निकलने वाले हार्मोन कौन कौन से होते हैं, ये बड़ा ही मजेदार पॉइंट है, क्योंकि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से क्वेश्चन खूब बनते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें यहां पर, तो सबसे पहला हार्मोन देखिए कौन सा निकल रहा है, हम सबसे पहले दोस्तों उसी हार्मोन की बात यहां पर करने जा रहे हैं। तो यहां से निकलने वाला पहला हार्मोन दोस्तों कौन सा हार्मोन है, पहले हार्मोन का नाम यहां पर क्या लेंगे दोस्तों, हम कहेंगे ग्रोथ हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन का दोस्तों मतलब यह है कि वृद्धि हार्मोन, और इस हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन कहते हैं। सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन की बात करें दोस्तों, ये हमारे शरीर की वृद्धि करवाता है, तो इसको हम वृद्धिकर हार्मोन कहते हैं। देखो सोमैटो का मतलब होता है काया, अगर इसकी बात हम करें दोस्तों इसका मतलब क्या होता है काया, तो काया का मतलब दोस्तों क्या होता है शरीर, ट्रॉफिक का मतलब प्रेरक, यानी शरीर की काया को प्रेरित करने वाला हार्मोन जिसको हम कहते हैं सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन। दोस्तों होता यह है कि हमारे शरीर में तीन प्रकार की वृद्धियां होती हैं, फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल। दोस्तों ये क्या करता है, ये हमारी सेल के अंदर समसूत्री विभाजन करके, हमारी काया की वृद्धि करता है, यानी हमारी फिजिकल ग्रोथ करता है दोस्तों। और फिजिकल ग्रोथ कैसे करेगा, तो दोस्तों हम कहते हैं फंक्शन कहां करता है ये, तो हम कहेंगे हमारे शरीर के कोमल व कठोर टिश्यूज पर कार्य करता है। अब दोस्तों हमारे शरीर में सबसे कोमल ऊतक कहां होते हैं, तो हमारी जो पेशियां हैं ये कोमल ऊतक हैं। कठोर ऊतक क्या है, हड्डियां हैं दोस्तों, यानी बोन, यानी ये हड्डियों पर और हमारी पेशियों पर कार्य करता है दोस्तों, ये हमारी हड्डियों और पेशियों पर कार्य करता है, और हम कह सकते हैं वृद्धि दर को बढ़ाता है। इनकी
वृद्धि दर को बढ़ाता है, वृद्धि दर को बढ़ाता है, को बढ़ाता है। ये पॉइंट इसके बारे में हम बोलते हैं कि दोस्तों हमारे शरीर के कोमल जो टिश्यू होते हैं उस पर कार्य करता है, यानी हमारी मसल्स पर और हमारे बोन पर दोस्तों कार्य करता है। और दोस्तों ये किससे संबंधित है, तो वृद्धि से संबंधित है। ध्यान रखना, वृद्धि से संबंधित हार्मोन है, वृद्धि से संबंधित हार्मोन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वृद्धि से संबंधित हार्मोन है, इसके विषय में आप इतना जानते रहिए दोस्तों। और हां, कभी भी ये अकेले वृद्धि नहीं करवाता, जब भी ये फंक्शन करेगा हमारी बॉडी के अंदर तो थायरोक्सिन हार्मोन के साथ करता है, बिकॉज थायरोक्सिन हार्मोन भी बॉडी में ग्रोथ के लिए बहुत बहुत जिम्मेदार होती है दोस्तों, ग्रोथ के लिए बहुत बहुत जिम्मेदार होती है। और इसका हाइपोसिक्रेशन और इसका हाइपरसिक्रेशन दोनों हमारे लिए घातक हो सकता है। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कि इसके हाइपरसिक्रेशन और हाइपोसिक्रेशन से क्या हो सकता है। तो हम दोस्तों क्या पढ़ रहे हैं, एसटीएच यानी कि जीएच ग्रोथ हार्मोन। और सबसे पहले दोस्तों हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसका अल्पश्रवण। दोस्तों अल्पश्रवण का मतलब देखिए, अल्प मतलब कम, श्रवण का मतलब होता है निकलना, तो अल्पश्रवण दोस्तों मतलब होता है हाइपोसिक्रेशन, यानी कि इसका हाइपोसिक्रेशन यानी इसका अल्पश्रवण। दोस्तों इसके अल्पश्रवण से क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है अगर बात करी जाए इसकी, तो दोस्तों हम कहते हैं कि इसका जो अल्पश्रवण होता है हम दोनों में देखेंगे, दोनों का मतलब यह है कि बच्चों में भी और बड़ों में भी। अगर हम दोस्तों यहां पर देखें कि बच्चों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों में, तो देखिए दोस्तों हम जानते हैं कि बच्चों में क्या होता है, जो शरीर की हड्डियां होती हैं वह बच्चों में बहुत तेजी से दोस्तों बढ़ती है, लेकिन अगर ये बच्चों में ये हार्मोन कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है उस बच्चे के की हड्डियां विकास नहीं कर पाएंगी। जब बच्चे की हड्डियां विकास नहीं कर पाएंगी, भाई जाहिर सी बात है अभी आपने देखा कि कोमल अंगों और कठोर ऊतकों पर कार्य करता है, तो अगर ये कम हो जाएगा तो जो कठोर ऊतक यानी हड्डियां ये बढ़ नहीं पाएंगी, जब हड्डियां बढ़ नहीं पाएंगी दोस्तों तो इससे क्या हो जाएगा, इससे जो रोग होता है उसको हम दोस्तों क्या कहते हैं, एटिलियोसिस। एटिलियोसिस कहते हैं कि इससे ये समस्या दोस्तों हो सकती है, एटिलियोसिस हो सकती है। और आप ध्यान देना दोस्तों, इसको हम एक नाम और देते हैं दोस्तों, इसी को हम कहते हैं बौनापन। दोस्तों क्या बोलते हैं, बौनापन बोलते हैं, यानी कि ड्वार्फिज्म बोलते हैं। तो ड्वार्फिज्म यानी ड्वार्फिज्म और एटिलियोसिस दोस्तों कैसे, तो हम कहेंगे बच्चों में ये एसटीएच के हाइपोसिक्रेशन से ऐसा होता है। और एक बात दोस्तों और कहेंगे कि बच्चे को क्या नाम देंगे, बच्चे को दोस्तों आप क्या बोलोगे, तो बच्चे को बोलते हैं मिडगेट्स। दोस्तों बच्चे को मिडगेट्स बोलते हैं दोस्तों, तो बच्चे को यहां दोस्तों क्या बोलेंगे, मिडगेट्स बोलेंगे। सर्कस में आपने देखा होगा कि सर्कस में दोस्तों जो बौने होते हैं उनको ही मिडगेट कहा जाता है, तो सर्कस में जो बौने होते हैं उनको मिडगेट कहा जाता है। आप यहां पर देख लीजिए इन बंधु की जो शरीर है पूरी काया कितनी बड़ी है, तो इनको हम मिडगेट कह सकते हैं दोस्तों, ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो देखिए बौनापन होता है दोस्तों, इसी को हम क्या बोलते हैं, मिडगेट्स कह देते हैं। चलिए तो अब दोस्तों अगर बच्चों में कमी हुई तो ये प्रॉब्लम हुई। अगर मान लीजिए हार्मोन वयस्कों में कम हो गया तो दोस्तों वयस्कों में क्या होता है, वयस्कों में तो शरीर की वृद्धि पूरी हो चुकी होती है, तो दोस्तों वयस्कों में शरीर की पूरी वृद्धि हो चुकी होती है, तो जाहिर सी बात है कि वयस्कों में यह वृद्धि को नहीं रोक पाता है। तो दोस्तों ये किस पर, यानी हड्डी पर कार्य नहीं कर पाता है, और जब हड्डी पर कार्य नहीं कर पाएगा तो ये कार्य किस पर करेगा दोस्तों, ये कार्य करेगा मांसपेशियों पर। जो हमारी पेशियां दोस्तों होती हैं उन पेशियों को सिकोड़ने का कार्य शुरू कर देता है, अर्थात जब दोस्तों ये पेशियों को सिकोड़ने का कार्य शुरू करता दोस्तों, तो जो व्यक्ति होगा उस व्यक्ति दोस्तों बहुत पतला हो जाएगा, यानी बहुत थीन हो जाएगा, बहुत पतलापन, पतलापन दोस्तों व्यक्ति क्या बहुत थीन हो जाएगा, और दोस्तों क्या हो जाएगा, व्यक्ति कमजोर हो जाएगा, व्यक्ति बहुत पतला हो जाएगा और व्यक्ति बहुत कमजोर हो जाएगा दोस्तों। और हम क्या कहेंगे दोस्तों, इसमें तो इसमें शॉर्ट हाइट हुई थी, इसमें व्यक्ति कमजोर हो जा रहा है, पतला हो जा रहा है दोस्तों, और कहते हैं कि कम उम्र में बूढ़ा,
कम उम्र में दोस्तों क्या होता है, बूढ़ा हो जाता है। कम उम्र में बूढ़ा दोस्तों, यानी इसको हम नाम देते हैं, इसको हम दोस्तों कहते हैं प्री मेच्योर एजिंग। दोस्तों क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं प्री मेच्योर एजिंग। तो दोस्तों बच्चे में क्या हो, उस वयस्क में दोस्तों क्या समस्या होगी, प्री मेच्योर एजिंग लगेगी कि वह व्यक्ति बिल्कुल दोस्तों क्या हो जा रहा है, वह बूढ़ा हो जा रहा है। और इस डिजीज को हम संयुक्त रूप से नाम देते हैं, यह एक रोग है और इसको हम नाम देंगे दोस्तों साइमंड रोग। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम नाम देते हैं साइमंड रोग कहते हैं। तो यह साइमंड डिजीज इससे होता है, साइमंड रोग इससे हो जाता है, इसको हम साइमंड डिजीज बोल देते हैं। अब दोस्तों अगर देखें इसके हाइपोसिक्रेशन से क्या होता है, इसके अधिश्रवण से क्या होता है, अगर दोस्तों हम बात करें यहां पर इसके हाइपरसिक्रेशन से यानी अधिश्राव से, अधिश्राव हाइपरसिक्रेशन, हाइपर सिक्रेशन, इसके अधिश्राव दोस्तों क्या होता है, हाइपर सिक्रेशन। तो अगर यहां पर हाइपर सिक्रेशन दोस्तों बात करें तो पहले हम बात करेंगे बच्चों में दोस्तों, पहले किसे बात करी जाएगी, बच्चों में, कि बच्चों में इसके हाइपर सिक्रेशन से क्या होता है। देखिए बच्चे में, चलिए तो सबसे पहले बच्चों में, अगर दोस्तों ये बच्चों में अगर इस हार्मोन का अधिक स्राव हो गया तो बताइए बच्चों में क्या हो सकता है, तो भैया बच्चों में क्या होगा, जो हड्डियां होती है बहुत तेजी से दोस्तों बढ़ती है, और जब लंबाई बढ़ती है और उसी समय बच्चों की जो लंबाई होती है भाई बचपन में बढ़ती है, और उसी समय यह हार्मोन बढ़ गया जो कोमल अंगों और हड्डियों पर कार्य करता है, तो दोस्तों ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जो हड्डियां हैं वो बहुत तेजी से ग्रोथ करने लगेंगी दोस्तों, और बच्चे में क्या आ जाएगी, महाकायता। महाकायता यानी उसकी जो काया है वो बहुत ज्यादा दोस्तों बड़ी हो जाएगी, यानी उसकी जो शरीर है वो बहुत बड़ा दोस्तों हो जाएगा। गिगेंटिज्म बोलते हैं, तो हम कहते हैं लंबाई, लंबाई अत्यधिक दोस्तों, लंबाई क्या होगी, लंबाई उसकी अत्यधिक हो जाएगी दोस्तों। जैसे आप देखिए ग्रेट खली को कितना बड़ा है, तो दोस्तों लंबाई दोस्तों होती है लॉन्ग हाइट, उसको बोलते हैं लॉन्ग हाइट की दोस्तों प्रॉब्लम वहां पर हो जाएगी, बहुत बड़ा उसका शरीर हो जाएगा दोस्तों, जो हड्डियां होती है वो बढ़ जाती है, खासकर ऐसी हड्डियां जो हाथ और पैरों की होती है दोस्तों, उसका जो हाथ है इतना बड़ा हो जाएगा घुटने तक पहुंच जाएगा, इसको हम कहते हैं अजान बाहु, यानी वो बच्चा अजान बाहु हो जाएगा, उसका हाथ उसके घुटने तक पहुंच जाएगा, हाथ और पैर की जो उंगलियां होती हैं काफी बढ़ जाती हैं, ये हम बोल देते हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें यही वयस्कों में इसके अधिश्राव से, तो वयस्कों में इसके अधिश्राव से क्या हो सकता है, क्या परेशानियां आ सकती हैं, तो दोस्तों वयस्कों में हम क्या नाम देते हैं, वयस्कों में हम कहते हैं कि अग्रकायिता, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि जो वयस्क होते हैं वयस्कों में तो ना तो हड्डियों की वृद्धि होनी है और ना कुछ भी वृद्धि होनी दोस्तों, तो हड्डियों की वृद्धि तो नहीं होती है वयस्क में जब ये बढ़ता है, लेकिन इसके बढ़ने से कुछ ऐसे अंग हैं जो बढ़ जाते हैं, जैसे दोस्तों क्या, जो ठुड्डी होती है ये बढ़ जाती है दोस्तों, ये चिन्ह क्या होता है, बढ़ जाता है, जब दोस्तों ठुड्डी बढ़ जाएगी पूरी फैल जाती है, पूरा ये चिन्ह बढ़ जाता है, तो जो चेहरा होता दोस्तों वो गोरिल्ला की तरह दिखता है, इसको हम क्या नाम देते हैं, अग्रकायिता कहते हैं दोस्तों। अग्रकायिता का मतलब क्या होता है, एक्रोमिगैली, एक्रोमिगैली बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरह संज्ञान में रखिएगा, एक्रोमिगैली दोस्तों, एक्रो का मतलब क्या दोस्तों होता है, आगे, और मिगैली का मतलब होता है वृद्धि, तो एक्रोमिगैली दोस्तों इसमें हो जाती है, और हम कहते हैं कि शरीर का जो अग्र भाग है वो बढ़ जाता है, शरीर का अग्रभाग बढ़ जाता है, तो शरीर का दोस्तों अग्रभाग अचानक क्या होता है, बढ़ जाता है, जैसे कि पंजा है, उंगलियां हैं दोस्तों, ये सब अचानक बढ़ जाते हैं, और कहते हैं कि जो बॉडी का अगला हिस्सा होता दोस्तों वही क्या दोस्तों वो बढ़ जाता है, जो चिन्ह वाला होता है इसका निचला हिस्सा बढ़ जाता है, और दोस्तों हम कहते हैं जो चेहरा होगा वो गोरिल्ला जैसा हो जाएगा, चेहरा गोरिल्ला जैसा, चेहरा गोरिल्ला जैसा हो जाएगा,
ये भी आप जानते रहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट दोस्तों फैक्टर है। वो कहते हैं हंच बैक होता है। अगर आप कहेंगे कि ये हंच बैक क्या है, तो कभी आपने देखा है व्यक्तियों के शरीर में कुंवर निकल जाता है, तो वही जो हंच बैक दोस्तों पीछे होता है, कुंवर होता है, उसी दोस्तों हम कहते हैं। और इसमें भी दोस्तों क्या होता है, जो व्यक्ति होता है बहुत बड़ा, उसका हाथ पर हो जाएगा, तो व्यक्ति इसमें भी दोस्तों क्या होता है, अजान बाहू हो जाता है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहां पर नेक्स्ट जो ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड की बात करेंगे दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट हार्मोन जो है, जो TSH है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, आइए देखते हैं उसका फंक्शन किस प्रकार से होता है। तो यहां पर हम बात करेंगे TSH हार्मोन की दोस्तों। TSH हार्मोन जिसको हम कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दोस्तों क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और थायराइड स्टिमुलेटिंग दोस्तों हार्मोन ये करता क्या है, अगर हम इस विषय पर बातचीत करें तो ये दोस्तों ऐसा हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ऐसा हार्मोन है। अगर क्वेश्चन बन जाए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ TSH, दोस्तों हम कहते हैं कि यह थायराइड ग्रंथि के डेवलपमेंट और दोस्तों उसके फंक्शन को प्रभावित करता है। दोस्तों कहेंगे कि थायराइड ग्रंथि के डेवलपमेंट और फंक्शन पर प्रभाव, डेवलपमेंट और फंक्शन पर प्रभाव, फंक्शन पर प्रभाव, ताकि दोस्तों ये जो ग्रंथि है ये आसानी के साथ अपने थायरोक्सिन हार्मोन, दोस्तों थायरोक्सिन हार्मोन को आसानी से यहां सिक्रेट कर सके। दोस्तों थायरोक्सिन हार्मोन को सिक्रेट करने के लिए, थायरोक्सिन हार्मोन को सिक्रेट करने के लिए ये दोस्तों क्या करती है, थायरोक्सिन हार्मोन को सिक्रेट करने के लिए दोस्तों ये ग्लैंड क्या करती है, यह थायराइड ग्रंथि के डेवलपमेंट और फंक्शन पर इफेक्ट डालती है। दोस्तों नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ACTH। दोस्तों नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हार्मोन है ACTH। अगर ACTH हार्मोन की बात करें दोस्तों, तो कहते हैं कि एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। दोस्तों एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, बहुत इत्मीनान से बस केवल शब्दों को देखिए, देखिए यहां पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है एड्रिनो मतलब अधिब्रिक, यानी कि एड्रिनल ग्लैंड अधिब्रिक, ठीक, कॉर्टिको मतलब कॉर्टेक्स भाग, मतलब इसका अधिब्रिक ग्रंथ दोस्तों कॉर्टेक्स भाग। ट्रॉफिक का मतलब दोस्तों क्या होता है, उत्तेजित या प्रेरित, स्टिमुलस, प्रेरित। दोस्तों यह ऐसा भाग है जो पीयूष ग्रंथि के, जो अधिवृक्क ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग को दोस्तों प्रेरित करता है। आप जानते हैं जो हमारी अधिवृक्क ग्रंथि, उसके दो भाग होते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि का जो एक भाग है उसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं एड्रिनल मेड्यूला। दोस्तों एक भाग क्या होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स। दोस्तों एक भाग होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स और एक भाग क्या है, एड्रिनल मेडुला। तो ध्यान रखिएगा यहां पर आप जो शब्द देख रहे हैं वो बस यही समझिए कि दोस्तों ये ग्रंथि क्या करती है, ये अधिवृक्क ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग का कंट्रोल करती है और दोस्तों अधिवृक्क ग्रंथि के मेडुला भाग पर इसका आंशिक नियंत्रण होता है, पूर्ण रूप से नियंत्रित नहीं कर पाती और इस भाग को हाइपोथैलेमस और अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करते हैं, ये आप जानते रहिए। बाकी दोस्तों यहां से मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और सेक्स कॉर्टिकॉइड निकलता है जिन पर कंट्रोल करता है ACTH हार्मोन, ये ध्यान रखना। अगर कभी दोस्तों क्वेश्चन बन जाए कि पीयूष ग्रंथि कि अगर दोस्तों कभी क्वेश्चन बन जाए कि पीयूष ग्रंथि किस ग्रंथि पर आंशिक नियंत्रण करती है, तो आपके जो आंसर दोस्तों क्या आएंगे, आपके जो आंसर आएंगे वह दोस्तों ये होंगे कि एड्रिनल मेडुला भाग पर। चलिए तो दोस्तों यहां देखिए हम बात करेंगे किस हार्मोन की, यहां बात करेंगे GTH हार्मोन की, और GTH जिसको आप नाम देते हो गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन, गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन। दोस्तों अगर इस हार्मोन की बात करें तो आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में कितने गोनेड होते हैं, तो मेल में दोस्तों टेस्टिस और फीमेल में दोस्तों क्या होता है, ओवरी, ये दोनों गोनेड होते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये ऐसा हार्मोन है जो इन गोनेड को प्रेरित करता है।
अगर हम बात करें तो ये गोनेड को कैसे प्रेरित दोस्तों करता है, बाकी आप जानते हैं ना दो प्रकार के होते हैं गोनेड, मेल में दोस्तों क्या होता है टेस्टिस और फीमेल में ओवरी, ये कैसे गोनेड को प्रेरित करेगा दोस्तों दो प्रकार के हार्मोन के श्रावण के द्वारा, यानी ये दो प्रकार के स्पेशल हार्मोन का सिक्रेशन करता है और दोस्तों वही दोनों हार्मोन ओवरी और टेस्टिस को कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों यहां से एक हार्मोन निकलता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको हम नाम दोस्तों क्या देते हैं, जिसको हम नाम देते हैं यहां पर FSH, और इसी को हम क्या बोलते हैं पुटिका प्रेरक हार्मोन, पुटिका प्रेरक हार्मोन। और आप जानते हैं दोस्तों जो पुटिका होती है वहां दोस्तों क्या निकलता है, वहां पर वहां दोस्तों पुटिका जब परिपक्व होती है तो वहां से अंडे निकलते हैं दोस्तों, हम कहते हैं पुटिका प्रेरक हार्मोन। देखिए अब दोस्तों ये क्या करेगा, कैसे फंक्शन करता है, तो अगर हम बात करें इसकी तो दोस्तों ये फीमेल में क्या करेगा, फीमेल में आप जानते हैं कि फीमेल में दोस्तों ऊजिनेसिस होता है, ऊजिनेसिस दोस्तों अगर ऊजिनेसिस की बात करें तो ये कैसा प्रोसेस है, तो आप जानते हैं इसको हम कहते हैं अंडजनन। दोस्तों फीमेल में क्या होता है ये अंडजनन, अंडजनन को प्रेरित करता है दोस्तों, अंडजनन को क्या करेगा दोस्तों प्रेरित करेगा, ये दोस्तों कहते हैं इसमें अंडाणु का निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण, अंडाणु का निर्माण यहां दोस्तों हो जाएगा, पर अंडाणु इसी फॉलिकल में रहता है और कहते हैं यह क्या करता है एस्ट्रोजन हार्मोन को नियंत्रित करने के बाद ही अंडाणु का निर्माण करवाता है दोस्तों, तो एस्ट्रोजन हार्मोन का नियंत्रण यह कर लेता है, इसके विषय में आप ये जानते रहिएगा दोस्तों। अगर हम बात करें तो ग्रेफियन फॉलिकल जो होता है उसको भी दोस्तों क्या करेगा, ये जो ग्रेफियन फॉलिकल होता है ग्रेफियन पुटिका का विकास करता है, ग्रेफियन पुटिका को परिपक्व करता है, पुटिका का विकास करेगा, तो ग्रेफियन पुटिका को परिपक्व दोस्तों करता है, यह भी आप इसके विषय में जानते रहिए। और अगर यहां पर हम बात करें मेल के अंदर कैसे फंक्शन करेगा दोस्तों, कैसे परफॉर्म करेगा, तो मेल के अंदर ये स्पर्मेटोजिनेसिस, स्पर्मेटोजिनेसिस यानी दोस्तों इसको कहते हैं स्पर्म का निर्माण, स्पर्म का निर्माण कराता है दोस्तों, का निर्माण कराता है, स्पर्म के निर्माण में दोस्तों क्या करता है हेल्प करता है। तो देखिए ये इस प्रकार से ये कंट्रोल करता है मेल और फीमेल के गोनेड को। अगर यहां पर हम बात करें एलएच हार्मोन को दोस्तों, जो एलएच हार्मोन होता है इसको हम कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच, एलएच मतलब ल्यूटी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दोस्तों, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा और कैसे फंक्शन करता है, तो आइए हम देखते हैं दोस्तों ये क्या करता है, एक विशेष प्रकार के हार्मोन के रूप में यानी कि ICSH के रूप में दोस्तों इसको हम बोलते हैं इंटरस्टियल, इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन दोस्तों, इस हार्मोन के जरिए ये क्या करता है अंतराली कोशिका जो होती है जिसको आप नाम देते हो इंटरस्टियल सेल, अंतराली कोशिका को प्रेरित करता है दोस्तों। जब अंतराली कोशिका को प्रेरित करेगा दोस्तों यहां पर क्या होता है, जो लेडिक सेल होती है, लेडिक सेल दोस्तों जो होती है वो प्रेरित होती है, जो दोस्तों लेडिक सेल होती है वो यहां पर दोस्तों क्या होगी प्रेरित होगी, और दोस्तों जब लेडिक सेल दोस्तों यहां पर प्रेरित होती है तो यहां पर क्या बनता है टेस्टोस्टेरॉन दोस्तों, टेस्टोस्टेरॉन के निर्माण में हेल्प करती है ये हम कह सकते हैं। और फीमेल के अंदर अगर हम देखें कि दोस्तों फीमेल के अंदर क्या करती है दोस्तों, तो फीमेल के अंदर प्रोजेस्टेरॉन का निर्माण, प्रोजेस्टेरॉन का निर्माण, तो फीमेल में प्रोजेस्टेरॉन का निर्माण करती है, और मेल में आप ये नाम दोगे कि दोस्तों यहां पर टेस्टोस्टेरॉन का निर्माण करती है। और जब अंडा दोस्तों बन जाता है फीमेल के अंदर तो ये और क्या काम करेगी दोस्तों, और ये ओविलेशन दोस्तों को कंट्रोल करती है, यानी कि अंडे को
ओव्यूलेशन। दोस्तों अंडे को कहां से निकालती है? दोस्तों अंडाणु से अंडे को निकालने वाला कार्य दोस्तों करती है, तो ओव्यूलेशन में हेल्प करेगी। तो दोस्तों यह ऐसा हार्मोन है जो ओव्यूलेशन में भी हेल्प करता है, दोस्तों इस बात को ध्यान दीजिएगा। और जब अंडा फॉलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज हो जाएगा तो उस अंडे को ग्रहण करने के लिए गर्भाशय को प्रेरित करता है यही हार्मोन। गर्भाशय को निषेचित अंडा ग्रहण करने के लिए प्रेरित करता है यही हार्मोन। और दोस्तों कहेंगे यही हार्मोन कार्पस ल्यूटियम के निर्माण में हेल्प करेगा। जब कार्पस ल्यूटियम बनेगा तब तो निकलेगा कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो कार्पस ल्यूटियम के निर्माण को प्रेरित करता है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम का निर्माण दोस्तों यही हार्मोन करता है और कार्पस ल्यूटियम के निर्माण में हेल्प करेगा यही हार्मोन। और दोस्तों यही हार्मोन निषेचित अंडे को ग्रहण करने के लिए प्रेरित भी करता है, इसके विषय में भी आप जानते रहिए। तो दोस्तों आइए देखते हैं जो हमारा अगला हार्मोन है वह कौन है। दोस्तों वह होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। अगर हम बात करें यहां पर प्रोलैक्टिन हार्मोन दोस्तों, तो उसको कहते हैं LTH। दोस्तों LTH दोस्तों, या इसको हम बोलते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। दोस्तों प्रोलैक्टिन हार्मोन ऐसा हार्मोन है, देखिए इसके बारे में क्या कहते हैं दोस्तों, इसके बारे में कहा जाता है कि यह मिल्क रिलीजिंग हार्मोन दोस्तों होता है। ये दोस्तों कहते हैं कि ये क्या होता है, दुग्ध निकालने वाला हार्मोन। दोस्तों इसको बोलते हैं हम लोग कि जो ये हार्मोन होता है इसको मेमोरी हार्मोन भी कह सकते हैं। दोस्तों ये क्या बोलते हैं, इसको मेमोरी हार्मोन दोस्तों बोल सकते हैं। देखिए तो ये क्या करता है, इसको हम मेमोरी हार्मोन भी इसको हम बोल सकते हैं दोस्तों, इस बात का ध्यान देना। और मिल्क रिलीजिंग इसको दोस्तों बोल सकते हैं, यानी कि मिल्क सिक्रेशन करवाता दोस्तों, सिक्रेशन ऑफ मिल्क। और दोस्तों इसका काम एक और होता है कि दुग्ध का निर्माण करना, तो दुग्ध का निर्माण भी करता है मादा की स्तन ग्रंथियों में। दोस्तों ये पॉइंट इसके विषय में हम बोल सकते हैं, तो दूध निकालने वाला हार्मोन ये होता है। अब दोस्तों अगर आगे हम बात करें तो आगे हम देखते हैं कि MSH हार्मोन है, जिसको हम कहते हैं मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH हार्मोन। तो मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये ऐसा हार्मोन है जो हमारे अंदर निकलता है कि नहीं निकलता, इस विषय पर बहुत ही संशय है। अगर हम दोस्तों बात करें कि ये हमारे अंदर निकलता है कि नहीं निकलता दोस्तों, तो मानव में इसका जो श्रावण है संदिग्ध है। तो मानव में इसका सिक्रेशन वो संदिग्ध है, सिक्रेशन संदिग्ध है, संदिग्ध है। बट दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहां दोस्तों जो ये हार्मोन होता है ये निकलता है किसके अंदर दोस्तों, ये निकलता है पार्स इंटरमीडिया से निकलता है। तो पॉइंट आप पहले ही बोल चुके हैं दोस्तों। और बर्ड और फिश में ये होता है, फिशेस एंड बर्ड में ये बहुत निकलता है, बर्ड में अत्यधिक निकलता है दोस्तों। तो फिशेस और बर्ड में ये अत्यधिक निकलता है, इसको आप दोस्तों कह सकते हैं जो मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन दोस्तों होता है वो किस पर कार्य करता है, ये कार्य करेगा मिलेनोसाइट सेल पर। मिलेनोसाइट कोशिका पर कार्य करता है दोस्तों। और देखिए क्या करेगा, यह मिलानिन नामक पिगमेंट को फैलाता है, त्वचा के रंग को गहरा करने में हेल्प करता है। तो मिलानिन नामक पिगमेंट को फैला करके त्वचा के रंग को गहरा करता है दोस्तों, इसके बारे में आप ये बात जानते रहिएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और दोस्तों बात करेंगे यहां पर जो हमारा पोस्टीरियर लोब होता है, जहां पर कुछ हार्मोन दोस्तों सेव रहते हैं, स्टोर रहते हैं। तो कहेंगे
पोस्टीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब यानी पश्चपाली, पश्चपाली। दोस्तों पश्चपाली में देखिए हम क्या क्या पॉइंट कह सकते हैं। कहेंगे इस लोब की किसी भी सेल से कोई भी हार्मोन नहीं निकलता, इस लोब की किसी भी सेल से, किसी भी सेल से, इस लोब की किसी भी सेल से कोई भी हार्मोन नहीं निकलता, कोई भी हार्मोन नहीं निकलता, नहीं निकलता दोस्तों, यानी यहां पर हार्मोन निकलता नहीं है दोस्तों, बल्कि हम कह सकते हैं कि यहां ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन जो दोनों हार्मोन होते हैं, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन हार्मोन दोस्तों, हार्मोन का यहां दोस्तों क्या होता है, का स्टोर होता है दोस्तों, का स्टोरेज यहां पर होता है, ये आप जानते हैं। और दोस्तों ये दोनों हार्मोन कहते हैं कि हार्मोन कह सकते हैं कि ये दोनों हार्मोन कहां से निकलते हैं, हार्मोन हाइपोथैलेमस की, हाइपोथैलेमस की न्यूरो हाइपोफाइसिस दोस्तों, या कहते हैं कि न्यूरो सिक्रेटरी, न्यूरो सिक्रेटरी सेल से बनते हैं। दोनों हार्मोन हाइपोथैलेमस की न्यूरो सिक्रेटरी सेल से दोस्तों बनते हैं। और दोस्तों यहां अगर क्वेश्चन पूछ जाए कि हेयरिंग बॉडी कहां होती है, तो हेयरिंग बॉडी कहां होती है, ये क्वेश्चन बहुत डीप का हो जाएगा, तो दोस्तों आप बताएंगे पोस्टीरियर लोब में होती है हेयरिंग बॉडी। और दोनों हार्मोन का स्टोरेज कहां होता है, तो निसंदेह आप बताओगे कि ये दोनों हार्मोन निकलते हैं हाइपोथैलेमस की न्यूरोसिक्रेटरी सेल से, वहां दोस्तों बनते हैं, बट ये कहां स्टोर होते हैं, आकर के हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो दोस्तों अगर यहां पर हम बात करें ऑक्सीटोसिन की, तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें यहां पर ऑक्सीटोसिन की, तो यहां जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है दोस्तों, यहां जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, इसी को हम नाम दे सकते हैं पीटोसिन दोस्तों, इसी को हम नाम क्या देते हैं दोस्तों, इसी को हम कहते हैं पीटोसिन दोस्तों। पीटोसिन जो होता है ये करता क्या क्या है दोस्तों, यहां इसके कार्य क्या क्या होते हैं, इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं दोस्तों, इसको हम कहते हैं दोस्तों, इसको हम पहला बोलते हैं कि प्रसव हार्मोन, चाइल्ड बर्थ हार्मोन दोस्तों, इसको हम बोलते हैं प्रसव हार्मोन, या इसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, गर्भपात का हार्मोन, इसी को हम बोलते हैं गर्भपात का हार्मोन, यह भी नाम इसी का ही है दोस्तों, या इसको हम नंबर थर्ड बोलते हैं दुग्ध निकालने वाला हार्मोन, दुग्ध निकालने वाला हार्मोन, निकालने वाला हार्मोन, देखिए दुग्ध बनाने वाला नहीं बोलेंगे दोस्तों, बल्कि क्या बोलेंगे, दुग्ध निकालने वाला हार्मोन दोस्तों, इसी को नाम देते हैं लव हार्मोन। देखिए दोस्तों ये सब जो ये हार्मोन है, तो इसको हम नाम देते हैं, इतने सारे नाम देते हैं दोस्तों। देखिए ये क्या करता है, मिल्क इजेक्टिंग करता है दोस्तों, यानी कि दुग्ध का निर्माण करता है दोस्तों, और चाइल्ड बर्थ में दोस्तों हेल्प करता है, और ये गर्भपात का हार्मोन है। अगर दोस्तों हम बात करें कैसे ये चाइल्ड बर्थ दोस्तों करता है, देखिए जैसे समझिएगा कि दोस्तों यहां पर किसी फीमेल दोस्तों क्या है, यूटेरस है दोस्तों, यहां पर समझिए कि मादा का गर्भाशय है, और दोस्तों गर्भाशय के अंदर भ्रूण दोस्तों यहां पर है, और हम जानते हैं दोस्तों जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय के अंदर जो दोस्तों इसके अंदर जो एंडोमायोमेट्रियम होती है दोस्तों, वो क्या होती है, वो अरेखित पेशियां होती हैं, अरेखित पेशी दोस्तों बनी होती है दोस्तों, ये क्या करता है, उन अरेखित पेशियों को दोस्तों क्या करता है, स्टिमुलस करता है, जो वहां पर अरेखित मसल्स होती दोस्तों, उनको क्या करता है, सिकोड़ता है। देखिए दोस्तों समय होने पर, जब समय होता है भ्रूण के परिपक्व होने पर, यह गर्भाशय की इंडोमायोमेट्रियम की अरेखित पेशियों को सिकोड़ता है, और जब अरेखित पेशियों को सिकोड़ता है दोस्तों, तो क्या होता है, प्रसव पीड़ा होती, लेबर पेन होता है, जिससे यह मालूम पड़ जाता है कि दोस्तों यहां पर चाइल्ड बर्थ होने वाला है। और कभी कभी दोस्तों क्या होता है, समय से पहले दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि समय से पहले एंडोमेट्रियम की दोस्तों, एंडोमायोमेट्रियम की समय से पहले
समय से पहले। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि एंडोमायोमेट्रियम की जो लेयर होती है उसको सिकोड़ देता है, अरेखित पेशियों को संकुचित कर देता है। बस इतना ध्यान देना, इसका कार्य क्या है, अरेखित पेशियों को संकुचित करना, पेशियों को संकुचित करना। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, यह समय के पहले ही अरेखित पेशियों को संकुचित कर देता है, जिससे दोस्तों क्या होता है, जिससे जो प्रसव है समय से पहले हो जाता है। इसको हम कहते हैं गर्भपात का हार्मोन, और दोस्तों इसको मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कहते हैं। भले से दूध बन जाता है मादा की स्तन ग्रंथियों में, लेकिन दोस्तों वो निकलता नहीं। दूध को निकालने के लिए दोस्तों क्या होते हैं, ये जो यही हार्मोन उसको प्रेरित करता है। दोस्तों लव हार्मोन, देखिए लव हार्मोन का मतलब ये है दोस्तों, चाइल्ड बर्थ होने के बाद, चाइल्ड बर्थ के बाद जैसे बच्चा पैदा होता है वह मां से लिपट जाता है, मां और बच्चे के बीच जो अपनापन होता है, चुंबन होता है, गले मिलना होता है, स्तनपान होता है दोस्तों, फीडिंग होती है, सब जो क्रियाएं होती हैं इसी लव हार्मोन से हो पाती है दोस्तों। और यहां पर आप जानते रहना, जो चाइल्ड बर्थ को दोस्तों क्या कहते हैं, परचुरेशन भी कहते हैं, ये भी आप जानते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हालांकि नहीं है दोस्तों। यहां पर इतने नाम इसको हम देते हैं। अगर आगे हम बढ़े तो आगे जो आखिरी हार्मोन यहां दोस्तों निकलता है उसका नाम है वैसोप्रेसिन। दोस्तों नाम क्या इसका है, वैसोप्रेसिन। देखिए वैसोप्रेसिन, या इसको हम नाम देते हैं एडीएच, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। दोस्तों एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन इसको हम नाम देते हैं। बस केवल शब्द को देखिए और चीजों को समझ लीजिए, दोस्तों शब्द को देखिए और चीजों को समझ लीजिए। एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन बोलते हैं दोस्तों। एंटी का मतलब होता है, हो जाता है विरोधी। एंटी मीन्स दोस्तों क्या होता है, विरोधी होता है। डाई का मतलब दोस्तों क्या होता है, दुगुना होता है, दुगुना। यूरेटिक दोस्तों मतलब होता है यूरिन, यानी मूत्र। दोस्तों ये ऐसा हार्मोन है जो मूत्र का दुगुना विरोध करता है। दोस्तों कैसे, दोस्तों हम देखते हैं कि ये जब पानी हमारी बॉडी में कम होता है तो पुनरावशोषण को दोस्तों क्या करता है, प्रेरित करता है दोस्तों। यानी कि हम कहते हैं कि जल के रीअब्सॉर्प्शन को प्रेरित करता है। यानी जब हमारी बॉडी में पानी कम पड़ जाता है दोस्तों, तो यह पानी को कम से कम बाहर जाने देता है। इस बात का ध्यान देना, अर्थात हम कहेंगे दोस्तों प्यास लगने पर कहेंगे गर्मियों में, या दोस्तों गर्मियों में प्यास लगने पर, या दोस्तों हम क्या बोलेंगे गर्मियों में दोस्तों, या कहेंगे ब्लड में जल की कमी होने पर दोस्तों क्या होता है, यह अधिक सिक्रेट होता है दोस्तों। जब अधिक सिक्रेट होगा, अधिक सिक्रीट होता है, और जब दोस्तों यह अधिक सिक्रीट होता है तो क्या होगा, उस समय पानी का जो रीअब्सॉर्प्शन दोस्तों क्या होता है, बढ़ जाता है दोस्तों। इसका मतलब यह है, जब यह दोस्तों कम निकलता है तो दोस्तों क्या होता है, जो पानी है वो हमारी बॉडी के बाहर बहुत कम जाता है दोस्तों। यानी हम कह सकते हैं कि ये हाइपोसिक्रेशन होता है, तो दोस्तों पानी कम रीअब्सॉर्ब होता दोस्तों। यानी जब यह बढ़ेगा, जब इसके अधिकता होगी दोस्तों, इसकी अधिकता से हमारी बॉडी से पानी कम से कम बाहर जाएगा। लेकिन अगर दोस्तों इसकी कमी हो जाए यानी कि हाइपोसिक्रेशन से देखिए, हमने देखा कि बढ़ने पर पानी के रीअब्सॉर्प्शन दोस्तों को बढ़ाता है, यानी पानी को बाहर जाने से रोकता है। लेकिन दोस्तों अगर ये कम हो जाएगा
तो रीअब्जॉर्वेशन दोस्तों कम हो जाएगा, यानी कि जो पानी है वो आपके शरीर से बाहर जाना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो कहते हैं दोस्तों कमी होने पर जल का रीअब्जॉर्प्शन कम होगा, यानी दोस्तों जल जो होता है वो कम पुनरावशोषित होगा दोस्तों। ऐसे में क्या होगा, मूत्र की मात्रा बढ़ेगी, यानी यूरिन की मात्रा बढ़ेगी दोस्तों, जिसको हम ड्यूरेसिस नाम देते हैं, और इस बीमारी को हम दोस्तों क्या कहते हैं, डायबिटीज इंसिपीडस कहते हैं। जो बीमारी होती है उसको हम क्या कहेंगे, डायबिटीज इंसिपीडस कहेंगे। और दोस्तों इस जो यहां पर प्रोसेस हो रहा है इसको हम नाम देते हैं ड्यूरेसिस। तो दोस्तों डायबिटीज इंसिपीडस ये दोस्तों क्या होता है, ड्यूरेसिस दोस्तों होता है, और ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों करता है, ठीक है ना। तो यहां बस अगर आपको ये सब नहीं समझ में आया, बस केवल एक बात ध्यान लेना, एंटी का मतलब विरोधी, डाई मतलब दुगुना, यूरेटिक का मतलब क्या होता है, यूरिन, यानी मूत्र का दोगुना विरोध करता है। तो अगर ये हार्मोन बढ़ेगा तो मूत्र की मात्रा कम होगी, इसका मतलब पानी हमारी बॉडी में अधिक से अधिक रीअब्जॉर्ब होगा। और दोस्तों अगर ये हार्मोन कम होगा तो मूत्र की मात्रा बढ़ेगी, इसका मतलब अब पानी यानी अब जल का कम से कम रीअब्जॉर्बेशन हो रहा है, और अधिकतम जल मूत्र के साथ बाहर निकल जा रहा है, तो तमाम समस्याएं इसमें हो जाती हैं। तो दोस्तों ये पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में आपने समझ लिया है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि क्लास आपको समझ में आई होगी। और दोस्तों निरंतर अगर आपको इसी तरह से क्लास लेनी है तो निश्चित तौर पर देखिए आपने जो पढ़ा हुआ है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ा हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको ऐसी क्लास चाहिए तो निसंदेह आप हमें इस नंबर पर एंट्री टीजीटी बायोलॉजी लिख करके हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं दोस्तों, आपको एडमिशन के बारे में सारे प्रोसेस बता दिए जाएंगे। तो आज बस इतना ही, आप सभी का धन्यवाद।